क्वेश्चन आपसे आपके APMT 2012 के मेंस में पूछा गया था, यह आपसे पूछा गया है पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स यानी कि सी लेवल से एन एरिया एडजोइनिंग रोहतांग पास यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर अबाउट 6 मंथ्स बैक, मतलब 6 महीने से वो इंसान, 6 महीने पहले वो इंसान एक सी लेवल से रोहतांग पास के पास में यानी हाई एल्टीट्यूड पर चला गया, तो उसके केस में हमें क्या मिलेगा। पहला पॉइंट, सफर्स फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड फटीग ETC। ये सिम्टम्स तब आएंगे जब वो जस्ट नाउ ही, मतलब अभी अभी ही हाई एल्टीट्यूड पर आया है। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो 6 महीने पहले ही हाई एल्टीट्यूड पर आ चुका है। सेकंड स्टेटमेंट है यूजुअल RBC काउंट बट दियर हीमोग्लोबिन इज वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। बेसिकली जब वो हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा तो उसके RBCs बढ़ेंगे और RBC का नंबर बढ़ने के अलावा उसकी जो हीमोग्लोबिन की O2 बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो O2 बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हुई है हीमोग्लोबिन की ड्यू टू लो ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, उसी के कारण RBCs का नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी एक तरह का कंपेंसेटिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, डेट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है मोर RBCs एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद में दे आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, ये कंडीशन उनके अंदर तब होगी जब वो, मैंने जैसे ही कहा, जस्ट नाउ ही हाई एल्टीट्यूड पर आए हैं, बट 6 महीने तक वहाँ पर रहने के बाद में बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो उसे इनेबल कर देंगे सब कुछ करने में। तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा थर्ड।